सत्य खाना लेकर आओ। भैया ये क्या बदतमीजी है, खाना ने आपको क्या बिगाड़ा है? ज्योति ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, समझे? चली जाओ यहाँ से। होश में आइए भैया, आपको यह क्या हो गया है? रोज रोज शराब पीकर घर आना ठीक नहीं है, अगर पिताजी को मालूम चल गया तो ठीक नहीं होगा। क्या कर लेंगे तुम्हारे पिताजी, ज्यादा धमकी देने की कोशिश मत करो। सच्ची बात कड़वी लगती है भैया, क्या कर लेंगे आप? अगर कल से शराब पीकर आए ना तो ठीक नहीं होगा। ज्योति तुम सुभाष से जुबान लड़ाती हो, मैं तुम्हारा जुबान काट लूंगा। ये क्या बदतमीजी है सुभाष, तुमने आज फिर शराब पी है? कान खोल कर सुन लो, अगर कल से शराब को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा चमड़ी खींच लूंगा। तुम्हारा ये हिम्मत मेरे ही टुकड़े पर पलने वाला आज मुझ पे हाथ उठाता है। चीखो मत सुराज, चीखो मत सूरज, तुम मेरे बाप का औलाद नहीं हो, न जाने किसका औलाद हो, तुम बाप के औलाद हो, तुम नाली के कीड़े कीड़े ही होते हैं, तुम फुटपाथ पर के लवारिस हो। तुम ये क्या कर रहे हो सुभाष, अपनी जबान को बंद रखो। वही कह रहा हूँ सूरज, जो सच्चाई है, तुम मेरे भाई नहीं हो, तू न जाने किसके औलाद हो, तुम मेरे बाप के औलाद हो। क्या माँ, सुभाष की बात सही है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। माँ कौन कहता है तू मेरा बेटा है, तुम तो फुटपाथ का कचड़ा है कचड़ा, तुम तो सुभाष के संपत्ति पर नाक बनकर बैठा है। जरा गौर से सोचो सूरज, तुम्हारी औकात ही क्या होती, आज तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। यह नहीं हो सकता माँ, सूरज भी अपना है, पराया नहीं हो सकते। ज्योति तुम चुप रहो, कान खोल कर सुन लो सूरज, आज तक सुभाष पर हाथ उठाते रहे, आखिर तुम अपना औकात दिखा ही दिया। माँ इस घर में मैं रहूंगा या तो सूरज, मैं सूरज का सूरत भी देखना नहीं चाहता हूँ। दो टके का आदमी मुझ पे हाथ उठाता है, जिसको ये पता नहीं कि इसका बाप कौन है और इसकी माँ कौन है। बस करो सुभाष, बस करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ।